मुंबई में सवार थी कमोसमी वरसाद पड़ो है। वरसद कारण के विस्तार में तो बीजी तरफ देश अलग अलग 12 राज्यों में आज वरसाद की चेतवनी जाहिर कर पश्चिम हिमालयन क्षेत्र महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड जेवा अनेक राज्य में आज भारे वरसाद की आगाही कर इंटरपोले भागेडू मेहुल चौकसी विरुद्ध जाहिर कर रेड कोर्नर नोटिस परत लई लीधी छे। घटनाक्रम साथ संकळायेल लोकोए जणाव्युं हतुं के हीरा वेपारी प्रतिनिधित्व ने आधार आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। भारत सरकार आ निर्णय जोरदार विरोध नोंधाव्यो छे। पंजाब नेशनल बैंक बे अबज डॉलर छेतरपिंडी केस में चौकसी भारत में वोन्टेड छे। डिसेम्बर 2018 में तेनी विरुद्ध रेड कोर्नर नोटिस जाहिर करवामां आवी हती। इंटरपोल की वोन्टेड लिस्ट में चौकसी नाम हटावाना निर्णय भारत सरकारे जोरदार विरोध कर्यो हतो। जो कि ग्लोबल पॉलिसी बॉडी आना सहमत थी नती। चौकसी ने आरोप में विश्वास व्यक्त करो कि भारतीय एजेंसीओ अपहरण करने प्रयत्न करो। रेड कॉर्नर नोटिस दूर करने अर्थ थाय मेहुल चौकसी एंटीगुआ बरबुडा की बहार पर यात्रा कर सकते। उल्लेखनीय है कि हाल में आ बने देशों की नागरिकता है। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो क्रिमिनल लिटिगेशन चल रही है वो चलती रहेगी। बस सिर्फ जो एक ये जो उनको एप्रीहेंड करने का मैकेनिज्म था यहाँ पर कि गवर्नमेंट के हाथ में और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में, वो उनका उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। और इनकी जो फ्यूजिटिव की प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपको पता है विजय माल्या नीरव मोदी सारे लोग फ्यूजिटिव हो गए हैं, मगर मेहुल चौकसी पे मैंने स्टे लिया हुआ है मुंबई हाईकोर्ट से। वो प्रोसीडिंग अभी चल रही है, वो चलती रहेगी। तो अदाणी मुद्दे विपक्ष संसद की सड़क सुधी आक्रमक है और फरी एक वक्त विपक्षे एकजूट थी अदाणी मुद्दे जेपीसी की मांग दोहरावी है। संसद परिसर प्रथम माड़ी विपक्षी सांसदों पोस्टर साथ देखाव कर्या हता और सरकार अदाणी मुद्दे जेपीसी तपास बेसाड़े तेवी मांग करी छे। तो बीजी तरफ तृणमूल कांग्रेस सांसदों पर अदाणी मुद्दे देखाव कर्या हता। दिल्ली में विजय चौक खाते टीएमसी सांसदों एकत्र थया हता। अदाणी ग्रुप पर लागेला आरोप की तपास करने संयुक्त संसदीय समिति की रचना थाय देवी मांग करी हती। तेमज सूत्रोच्चार कर्या हता। हम लोगों ने नारा दिया, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। क्यों ये चुप्पी? सारे देश का एक लोग कोई 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया, आम जनता के रुपया, इसीलिए तो हम लोग आवाज तुलते हैं। अदानी को गिरफ्तार करो, और अदानी को नहीं उनको साथ जो LIC चेयरमैन जो SBI चेयरमैन ये रुपया दे दिया सेवी का चेयरमैन, ये सबको कस्टडी में लेना चाहिए। विदेश में राहुल गांधी ना निवेदन मुद्दे हजू पण भाजप आक्रमक है। भाजप राहुल गांधी पास थी सतत माफी की मांग करे। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्राए कहू कि विदेश में भारत ने बदनाम करव ए अयोग्य बात है। राहुल गांधी हमेशा विदेश में भारत अपमान करता आया है। देश की जनता राहुल गांधी निवेदन स्वीकार नहीं करे आ कोई सामान्य मुद्दों नहीं। राहुल गांधी षड्यंत्र रची रहा होवानो संबित पात्रा आक्षेप करी वधुमां कहू कि राहुल गांधी ने माफी मांगवी ज पड़शे अने अमे माफी की मांग करता रहीशुं। मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स, जस्ट एज पाकिस्तान हैज ISI, ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। ममता बेनर्जीए मंगलवार जणाव्युं हतुं के केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल साथ भेदभाव कर रही है और 29 मार्च थी 2 दिवस योजना आना धरना में हाजरी आपशे। ममता बेनर्जीए दावो कर्यो छे के केन्द्र सरकारे मनरेगा योजना हेठ इम्पोर्टेंट चेन्ज आवे जो है कि सेंट्रल हमको जो वंचित कर रहा है 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया। अभी भी बजट में देखो बंगाल इज जीरो। व्हाई?
Now Bengali zero for every project. You are giving certificate. United Nations is giving certificate. UNESCO is giving certificate. Some countries sending their people. Bengal is a model. And now you are not giving. Earlier we were not giving the money for 100 days Narega. This time also you are not giving. You are sending team just to IWAS and to satisfy your BJP people. तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर आक्षेप करे हो तो एकनाथ शिंदे कहूं कि उद्धव ठाकरे पोतानी पार्टी ना नेताओं की कारकिर्दी पूरी करवाना प्रयत्नों करे हता साथे साथे पोताने शिवसेना ना स्थापक बालासाहेब ठाकरे नी विरासत ना साचा वारस तरीके जणाव्या हता। शिंदे वधुमां कहूं कि राज ठाकरे नारायण राव राणे सहित अन्य नेताओं शिवसेना छोड़ी दीधी थी और आवी परिस्थिति में लोग पक्ष केवी रीते छोड़ी शके। हूँ गद्दार नहीं खुद्दार छू। अमने दगाबाज कहेवानो उद्धव ठाकरे ने कोई अधिकार नहीं। उद्धव ठाकरे बालासाहेब की संपत्ति वारस होई शके पण तेओनी विचारधारा वारसदार नहीं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह हजू पण पुलिस पकड़थी दूर छे। 72 कलाक बाद पण पुलिस ने अमृतपाल ना कोई पगेर मळ्या नथी। छेल्ला 3 दिवसथी अमृतपाल नी धरपकड़ माटे विविध स्थळोए दरोडा पाड्या छे परंतु कोई सफलता प्राप्त थई नथी। सुरक्षा एजेंसीओने शंका छे कि अमृतपाल सिंह वेश बदली नेपाळना मार्गे पाकिस्तान भागी शके छे। बीजी तरफ अमृतपालना सहयोगी पर नजर राखवामां आवी रही छे। अमृतपालना 5 नजीकना साथीदारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा धारो लागू कर्यो हतो जेमां काका हरजीत सिंहनो पण समावेश थाय छे। जलंधर पुलिस सामे आत्मसमर्पण करनार अमृतपालना एक सहयोगी सामे पण पुलिसे गुनो नोंध्यो छे। हरजीत सिंह पासेथी 32 बोरनी लायसेंसवाळी पिस्तोल अने 1,00,000 रूपियाथी वधुनी रोकड़ मळी आवी हती। पंजाब अने हरियाणा हाईकोर्टे मंगलवारे अमृतपालनी धरपकड़ हजू सुधी थई नथी ए बाबते झाटकणी काढता कह्युं के तमारी पासे 80,000 पुलिस कर्मचारीओ छे तेम छतां आरोपीनी धरपकड़ केम थई शकी नथी। हाईकोर्टमां सुनावणी पंजाबना एडवोकेट जनरले कोर्टने जणाव्युं के वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिवाय तमाम आरोपीओनी धरपकड़ करवामां आवी छे। एडवोकेट जनरले कोर्टमां कह्युं के अमृतपाल सामे एनएसए दाखल करवामां आव्यो छे। आ साथ ज पंजाबना मुख्यमंत्री भगवंत माने कहूं कि जे लोग कायदो और व्यवस्था ने नुकसान पहुंचाड़े तेमनी सामे कड़क पगला लेवामां आवशे। तेमणे कहूं कि देश विरोधी काम करता तत्वों ने छोड़वामां नहीं आवे। पंजाबना मुख्य प्रधान भगवंत माने मंगलवारे जणाव्युं के पंजाब में कोईपण राष्ट्र विरोधी तत्व ने बक्षवामां नहीं आवे अने तेमनी सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। ताजेतरमां पंजाब पुलिसे खालिस्तान सहानुभूति धरावता अमृतपाल सिंह अने तेना नजीकना साथीओने पकड़वा माटे राज्यव्यापी कॉर्डन अने सर्च ऑपरेशन शुरू कर्युं हतुं। सीएम भगवंत माने समग्र ऑपरेशन दरमियान सतत समर्थन आपवा बदल पंजाबना लोकोने बिरदाव्या हता। पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है। वारिस पंजाब देनो प्रमुख अमृतपाल देश छोड़ीने भागी न जाए माटे केंद्र सरकार ना आदेश बाद सरहदी विस्तारों ने एलर्ट पर मुकवामां आव्या छे। केंद्र सरकारे आ मुद्दे बीएसएफ अने सशस्त्र सीमा बल ने एलर्ट पर रहेवा जणाव्युं छे। गृह मंत्रालये बीएसएफ अने सशस्त्र सीमा बलना वडाने सरहद पर तैनात जवानोने एलर्ट रहेवा कह्युं छे। पंजाब पोलीस छेल्ला 4 दिवसथी अमृतपालनी धरपकड़ करवा माटे सर्च ऑपरेशन चलावी रही छे। पंजाब सरकार तरफथी जणाववामां आव्युं हतुं के शनिवार सुधी अमृतपालना लगभग 78 जेटला सागरितोनी धरपकड़ करवामां आवी छे। अमृतपाल सामे एफआईआर दाखल करवामां आवी छे अने तेनी सामे एनएसए हेठळ पण कार्यवाही करवामां आवशे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपालनी धरपकड़ करवा माटे पंजाब पोलीस छेल्ला 3 दिवसथी सर्च ऑपरेशन चलावी रही छे। पोलीसे अमृतपाल ने भागेडू जाहेर कर्यो छे। वारिस पंजाब दे अने अमृतपाल साथे संकळायेल कुल 100 वधु लोकोनी धरपकड़ करवामां आवी छे। पंजाब पोलीसे रविवारे पण सर्च ऑपरेशन चलाव्युं हतुं अने राज्यना मोटा भागना जिल्लाओमां धारा 144 लागू करवामां आवी हती।
कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति न बगड़े तेना माटे 21 मार्च बपोरना 12 वाग्या सुधी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे। लंडन बाद सान फ्रांसिस्कोमां पण खालिस्तान समर्थकोनो देखाव यथावत जोवा मळी रह्यो छे। सान फ्रांसिस्कोमां एक जूथे भारतीय दूतावास पर हुमलो करी नुकसान पहोंचाड्यु हतुं। खालिस्तान समर्थकोनी आ कार्यवाही वारिस पंजाब दे संगठनना वडा अमृतपाल सिंहना समर्थनमां करवामां आवी रही छे। आजादे पंजाबमां अमृतपाल सिंहना सहयोगीओनी धरपकड़ना विरोधमां इमारतनी बहार खालिस्तानी झंडा पण लहेरावामां आव्या हता। आ घटना पर सान फ्रांसिस्को पोलिस तरफथी हजु सुधी कोई टिप्पणी करवामां आवी नथी। खालिस्तान तरफी अलगतावादीओए ब्रिटनमां भारतीय त्रिरंगानुं अपमान कर्युं हतुं, जोके हवे तेमने जड़बातोड जवाब भारतीय हाईकमिशन तरफथी ज आपवामां आव्यो छे। भारतीय हाईकमिशननी इमारत पर फरी तिरंगो तो लहेरावी देवायो अने साथे ज एक विशाल तिरंगो पण लगावायो हतो। दिल्ली लीकर पॉलिसी साथे संकळायेल मनी लॉन्ड्रिंग केसमां ईडी द्वारा कवितानी पूछपरछ करवामां आवी रही छे, त्यारे मंगळवारे ईडी कचेरी जता समये तेमणे केटलाक पुरावा बताव्या हता जे तेઓ ईडी समक्ષ રજૂ કરશે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। ईडीए सोमवारे पण कविताની લગભગ 10 કલાકથી વધુ સમય જેટલી પૂછપરછ કરી હતી। કવિતાએ 10 જેટલા ફોન નષ્ટ કર્યા છે એ આરોપની પણ ईडी તપાસ કરી રહી છે। કવિતા મંગળવારે ईडी સમક્ષ ત્રીજી વાર હાજરી આપશે, પહેલા તેઓ 11મી અને 20મી માર્ચે પણ ईडी સમક્ષ હાજર રહી ચૂક્યા છે। દિલ્હી લીકર પોલિસી કેસમાં ગેરરીતિના આક્ષેપ પર ईडीએ અત્યાર સુધી કુલ 12 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાનો પણ સમાવેશ થાય છે। સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ફાંસી આપવા સિવાય ઓછી દર્દનાક રીતે મૃત્યુદંડ આપી શકે તેવી સજા વિશે વિચારણા કરી રહી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તેઓ આ મુદ્દે વિચારણા કરવા માટે એક્સપર્ટ પેનલની રચના પણ કરી શકે છે। કોર્ટે દર્દ વિના મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરતી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારને આ વાત કહી હતી। પિટિશનમાં ભલામણ કરવામાં આવી છે કે ફાંસી સિવાય વ્યક્તિને ગોળી મારી, ઘાતક ઇન્જેક્શન અથવા ઇલેક્ટ્રિક ખુરશીની મદદથી પણ મૃત્યુદંડ આપી શકાય છે। લો મિશનના રિપોર્ટનો ઉલ્લેખ કરતા અરજદારના વકીલે કહ્યું કે ફાંસી આપવાની પ્રથા ખૂબ જ ક્રૂર છે। સુપ્રીમ કોર્ટ આ મામલે હવે 2 મેના રોજ સુનાવણી હાથ ધરશે। और हमने कोर्ट के सामने ये काफी एग्जाम्पल्स दिए थे, जिसके अंदर जैसे यूएसए है जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड में, वहां पे हैंगिंग को हटा के उन्होंने कम से कम 50 में से 40 स्टेटों के अंदर उन्होंने लीथल इंजेक्शन को अडॉप्ट किया है। ये क्यों किया है ये हमारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट खुद कहती है कि हैंगिंग जो है सबसे ज़्यादा पेनफुल है, हैंगिंग जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और हैंगिंग के अंदर अगर वो हैंगिंग किसी तरीके से गलत हो जाती है जो भी एक निर्भर करता है किसी एक हैंगमैन के ऊपर, तो सर धड़ से अलग भी हो सकता है। જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદાએ 2 દિવસના ભારતના પ્રવાસે છે। જાપાનના વડાપ્રધાને દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસમાં વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી। મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ જાપાનના પીએમને કદમ બુદ્ધની જાળીવાળા બોક્સમાં કર્ણાટકના ચંદનથી બનેલ બુદ્ધની પ્રતિમા ભેટ આપી હતી, જે બાદ પીએમ મોદી અને જાપાનના વડાપ્રધાન પાણીપુરીની મજા માણતા પણ જોવા મળ્યા હતા, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે। ભારત જાપાન એમ બંને દેશના પીએમએ પાણીપુરીની મોજ માણી હતી, ત્યારબાદ દિલ્હીના બુદ્ધ જયંતી પાર્કમાં લસ્સી અને ભારતીય ભોજનનો સ્વાદ પણ માણ્યો હતો। જાપાનના વડાપ્રધાન કિશિદાએ વડાપ્રધાન મોદીને G7 હિરોશિમા સમિટમાં ઔપચારિક રીતે આમંત્રણ આપ્યું હતું અને વડાપ્રધાન મોદીએ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે। જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદા ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે। કિશિદાની આ યાત્રા દરમિયાન ભારત અને જાપાન વચ્ચે જાપાની ભાષા અને અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ લોન મુદ્દે 300 બિલિયનની નોટ એક્સચેન્જ કરવા બાબતે 2 દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે। જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદાના પ્રવાસ મુદ્દે વિદેશ સચિવ વિનય કવાત્રાએ જણાવ્યું કે બંને દેશ વચ્ચે મેમોરેન્ડમ ઓફ કોઓપરેશનના રિન્યુઅલ મુદ્દે 2 દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે। યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એન્ટની બ્લિન્કનના વિભાગે વાર્ષિક માનવ અધિકારનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે, જેમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2022માં ભારતમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હત્યા, પ્રેસની સ્વતંત્રતા,
धार्मिक अने वंशीय लघुमतीओ ने निशान बनावती हिंसा अने मानव अधिकार उल्लंघन की अनेक घटनाओं जोवा मळी छे। वार्षिक रिपोर्ट में ईरान उत्तर कोरिया अने म्यांमार जेवा अन्य देशों की साथे रशिया अने चीन में मोटा पाये मानव अधिकारों उल्लंघन की घटनाओं की टीका करवामां आवी छे। रिपोर्ट में भारत विभागों ने लई पण दावो कर्यो छे के सरकार तमाम स्तरे सत्तावार भ्रष्टाचार माटे जवाबदारी अभाव छे, जेथी आरोपीओ ने समयसर सजा मळती नथी। तेमज भारत में मानव अधिकार महत्वपूर्ण मुद्दाओ अने दुर्व्यवहार विषे पण वात करी छे। चीनना नेता जिनपिंग 3 दिवस रशियाना प्रवासे छे। रशिया युक्रेन युद्ध वच्चे चीनना नेता जिनपिंगनी रशियानी प्रथम मुलाकात छे। बन्ने वच्चेनी मुलाकात वैश्विक राजकारणमां हलचल मचावे तेवी शंका छे। चीन रशियाने ऊर्जा भूख्या देश अने ऑइल गैस क्षेत्रमां ऊर्जाना मोटा